वेलकम टू फिटनेस टॉप 10, मैं हूं करुणा। आने वाले चंद पल हैं आपकी हेल्थ के नाम, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपका ध्यान उन बातों पर जाए जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो दबे पांव शरीर में प्रवेश करती है, एक ऐसी तकलीफ जिसके कारण जिंदगी थम सी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस डिजीज की जिसका आतंक लगातार बढ़ रहा है। ये डिजीज थायराइड प्रॉब्लम है, जिसके शिकारों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है अलर्टनेस। फिटनेस टॉप 10 में आज हम आपको बताएंगे वो 10 सिम्टम्स जो थायराइड प्रॉब्लम से जुड़े हो सकते हैं। अलर्ट नंबर 1, थायराइड प्रॉब्लम से आ सकती है थकान। अगर 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी बॉडी में एग्जॉस्टन की फीलिंग हो, दिन में सुस्ती सताए, तो फौरन चेकअप करवाएं, क्योंकि ये सिम्टम्स थायराइड प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकते हैं। अलर्ट नंबर 2, वेट में छिपी हो सकती है थायराइड प्रॉब्लम की जड़। थायराइड प्रॉब्लम से जुड़ा है वेट इशू। डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद वेट कम ना हो रहा हो, या फिर नॉर्मल डाइट के बावजूद वेट लॉस हो रहा हो, या रिच डाइट लेने के बावजूद वजन घटने लगा हो, तो यह हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म का लक्षण हो सकता है। ऐसे में मेडिकल मदद ली जा सकती है। अलर्ट नंबर 3, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से कस सकता है थायराइड प्रॉब्लम का शिकंजा। तनाव और चिंता की अनकंट्रोल्ड स्टेज ये बताती है कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन स्मूथ नहीं चल रहे। ऐसे में पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं और एंटी डिप्रेशन भी नाकाम हो जाते हैं। अलर्ट नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल इशू का कनेक्शन हो सकता है थायराइड। थायराइड के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन के बावजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता या बढ़ता है, तो ये थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकता है। अलर्ट नंबर 5, थायराइड से जुड़े हैं जेनेटिक फैक्टर। रिसर्च के मुताबिक थायराइड की बीमारी जेनेटिक हो सकती है। अगर ब्लड रिलेशन में कोई इस बीमारी से पीड़ित है, या खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में थायराइड कंडीशन से जुड़े सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम से जुड़े सिम्टम्स को नजरअंदाज करने से प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड हो सकती है। अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस के पीछे हो सकती है थायराइड प्रॉब्लम। आज फिटनेस टॉप 10 में हम आपको वो सिम्टम्स बता रहे हैं जो थायराइड प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं। अलर्ट नंबर 6, थायराइड के मैल फंक्शन से हो सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स या इनफर्टिलिटी। स्टडीज के मुताबिक हैवी, फ्रीक्वेंट और पेनफुल पीरियड्स का रीजन हो सकता है थायराइड प्रॉब्लम, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में पीरियड्स शॉर्टर, लाइटर और इनफ्रीक्वेंट हो सकते हैं। यही नहीं, रिसर्च से पता चलता है कि थायराइड कंडीशन की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अलर्ट नंबर 7, खतरे की घंटी है बाउल प्रॉब्लम। एक्सपर्ट्स के अनुसार थायराइड के बिगड़े फंक्शन से बाउल प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। अलर्ट नंबर 8, हेयर या स्किन की बदली रंगत हो सकती है थायराइड की आहट। यूं तो थायराइड प्रॉब्लम से पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बाल और त्वचा। थायराइड के बिगड़े फंक्शन से होता है हेयर लॉस, बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। यही नहीं, स्किन भी थिक, ड्राई और स्केली हो सकती है। अलर्ट नंबर 9, थायराइड के ऑनसेट से होता है नेक डिस्कम्फर्ट। नेक में सूजन महसूस हो, नेक मोमेंट तकलीफ देने लगे, या आवाज भारी होने लगे, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम में इस तरह के लक्षण उभरने लगते हैं। कई बार इलाज थायराइड बाहर भी दिखने लगता है। अलर्ट नंबर 10, मसल्स और जॉइंट्स पर हो सकता है थायराइड का हमला। थायराइड प्रॉब्लम से मसल्स और जॉइंट्स में पेन और ऐंठन की शिकायत हो सकती है। यही नहीं, थायराइड की तकलीफ से बाहों और हाथों में कार्पल टनल और पैरों में टार्सल टनल डेवलप हो सकती है, जिसके कारण हाथों और पैरों में दर्द होता है। थायराइड प्रॉब्लम से अपसेट हो जाती है जिंदगी। थायराइड के मैल फंक्शन से बिगड़ जाता है शरीर का संतुलन। आज फिटनेस टॉप 10 में हमने आपको बताया उन सिम्टम्स के बारे में जो थायराइड प्रॉब्लम के कारण डेवलप होते हैं। अगले एपिसोड में फिटनेस टॉप 10 लेकर आएगा आपकी हेल्थ से जुड़े ऐसे ही एक और मुद्दे को। टिल देन, टेक केयर। हमें आपकी फिक्र है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।